दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। यूं तो किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि शरीर के सड़ने की प्रक्रिया शुरू ना हो और बदबू ना आए। कुछ पुरानी सभ्यताओं में शवों को संरक्षित करके ममी बना दी जाती थी, ताकि शव सदियों तक खराब ना हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बिना संरक्षित किए कोई शव सदियों तक वैसा ही तरोताजा बना रहे? विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका विज्ञान आज तक जवाब नहीं दे सका है। ऐसा ही कुछ ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च में रखे सेंट फ्रांसिस जेवियर के मृत शरीर के साथ है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये शव पिछले 460 सालों से आज तक बिना किसी लेप या मसाले के एकदम तरोताजा है। सुनने में ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ओल्ड गोवा के इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा है। विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी इस रहस्य का पता लगाने में वैज्ञानिक असफल रहे हैं। इतने सालों बाद भी इस शरीर का तरोताजा रहना आधुनिक विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कैथोलिक संप्रदाय के लोग सेंट जेवियर का नाम आदर और सम्मान से लेते हैं। इनका जन्म स्पेन के राजघराने में हुआ था और उनका वास्तविक नाम फ्रांसिस्को द जेवियर था, लेकिन उन्होंने अपना घर त्याग कर कैथोलिक धर्म का प्रचार करने का निश्चय कर लिया और धर्म प्रचारक होने के कारण उनका नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर हो गया। गोवा की राजधानी पनाजी से 10 किलोमीटर दूर ओल्ड गोवा है और इस नगरी में फ्रांसिस जेवियर का गहरा लगाव था और उन्होंने यही अपनी शरण स्थल बना ली। रोम के पोप का प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने धर्म प्रचार का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने भारत आने की जोखिम भरी समुद्री यात्रा 1551 में शुरू की। इस यात्रा के दौरान वह मोजाविक, मलिंदी और सोक्रेटा होकर गोवा पहुंचे थे। ओल्ड गोवा को अपना स्थायी निवास स्थान बनाकर उन्होंने काफी समय तक आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार किया। इसी को केंद्र बनाकर उन्होंने कई देशों की यात्रा की और कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। प्रचार के दौरान ही उनकी 3 दिसंबर 1552 को चाइना के शेंगचुआन आइलैंड में मौत हो गई, जिसके बाद उनके मृत शरीर को कफन में रखकर मलेशिया के मलक्का में ले जाया गया। अंतिम संस्कार के 4 महीने बाद उनके शिष्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके ताबूत को खोला, लेकिन ताबूत खुलने पर वह दंग रह गए कि संत का शरीर तो एकदम ताजा है। इसे देवीय शक्ति का चमत्कार मानकर वह संत के मृत शरीर को गोवा ले आए। वहां उनके मृत शरीर को सेंट पॉल कॉलेज में रखा गया। इसके बाद सेंट के मृत शरीर को वहां से हटाकर 1613 में प्रोफेस्ट हाउस ऑफ केम जीसस में रखा गया। सेंट जीसस के मृत शरीर को चांदी के एक संदूक में रखकर बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च में संभाल कर रख दिया गया। सेंट फ्रांसिस के मृत शरीर को कई बार काटा जा चुका है। साल 1553 में जब एक सेवक उनके मृत शरीर को शेंगचुआन से मलक्का ले जा रहा था, तो जहाज के कप्तान को प्रमाण देने के लिए उनके घुटने का मांस काट लिया गया। साल 1554 में एक पुर्तगाली महिला यात्री ने उनकी एड़ी का मांस काटकर यादगार के रूप में उनके पवित्र अवशेष अपने साथ पुर्तगाल ले गई। सेंट के पैर की एड़ी अलग हो गई, जिसे वेसिलिका के एक्राइटी में एक क्रिस्टल पात्र में रखा गया। साल 1695 में उनकी बाजू के भाग को रोम भेजा गया, जिसे
चर्च ऑफ केसू में संभाल कर रखा गया। बाएं हाथ का कुछ हिस्सा 1619 में जापान के जेसुइट प्रोविंस में संभाल कर रखा गया और पेट का कुछ भाग निकालकर अलग अलग स्थानों पर यादगार के लिए भेजा गया। वर्तमान में समय समय पर इनका मृत शरीर वेसिलिका हॉल के खुले प्लेटफॉर्म पर आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।